गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम जो वर्कशीट करने वाले हैं वह कार्य पत्रक नंबर 5 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा भेजी गई है। बच्चों, आज की जो विषय रहेगा हमारी वर्कशीट का वो रहेगा विज्ञान, जो कि कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आपको अपना यहाँ पे नाम और यहाँ पे आपके कक्षा अध्यापक का नाम लिखना ज़रूरी। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं वह वायु प्रदूषण। बच्चों, आप क्लास 8th में भी वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ा होगा, क्लास 7th में भी पढ़ा होगा और क्लास 6th में आप पढ़ते आए हैं अभी तक, तो आपको कुछ जानकारी तो वहाँ से भी प्राप्त है। तो देखिए, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। चलिए, 9वीं कक्षा की छात्रा स्नेहा अपनी माँ से बात कर रही थी कि कैसे उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ताज़ी हवा और साफ आसमान का आनंद लिया। उसकी माँ ने कहा कि वायु प्रदूषण में कमी के कारण ऐसा हुआ है। स्नेहा को याद आया था कि कुछ महीने पहले दिल्ली धुंध की चादर में लिपटी थी। वायु प्रदूषण गंभीर चिंता का विषय था। कुछ चीज़ें जो उसके दिमाग में दौड़ रही थी, जब वायु अवांछित पदार्थों से दूषित हो जाती है जो जीवित और निर्जीव दोनों पर हानिकारक प्रभाव डालती है, तो इसे वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। वायु को दूषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों? वायु प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कि वायु प्रदूषक कौन कौन हैं? कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल कण व पराग कण, ये सभी क्या हैं बच्चों? वायु प्रदूषक कहलाते हैं। अब बॉक्स में वायु प्रदूषकों के स्रोतों को उनके चित्रों के साथ लाइन खींचकर मिलाने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चों, ये क्या है आपको, देखो, कारखाने उत्सर्जन संयंत्र, ईंधन के रूप में लकड़ी, देखो ईंधन के रूप में लकड़ी ये है, इससे प्रदूषण होता है क्योंकि इस चीज़ के जलाने से कार्बन और कुछ गैसेज निकलती हैं। ये क्या है? गोबर के जलते उपले। ये क्या है हमारे? ये हमारे क्या हैं? वाहन उत्सर्जन, गाड़ियों से निकलता हुआ। और कारखानों का कहाँ पे है? ये वाला देख सकते हैं आप, कारखानों वाला उत्सर्जन। अब यहाँ पे स्मोग, यह वातावरण से घने कोहरे जैसी परत है, विशेष रूप से सर्दियों के दौरान कोहरे और धुएं से बनी होती है। उस चित्र की पहचान कीजिए जहाँ पे आप घोरा घना कोहरा देख सकते हैं। तो बच्चों, यही चित्र है, घना कोहरा देख सकते हैं। और यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं तो उससे भी क्या होता है? प्रदूषण होता है। तो चलिए, हम इसके अभ्यास जो प्रश्न दे रखे हैं आपको, उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु प्रदूषण क्या है? तो वायु प्रदूषण, देखो यहाँ से लिखना आपको, जब वायु अवांछित पदार्थों से दूषित हो जाती है तो जीवित और निर्जीव दोनों पर हानिकारक प्रभाव डालती है, इसे वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। तो आप ये लिख सकते हैं। वायु प्रदूषक की परिभाषा कीजिए। तो वायु प्रदूषक जो है उसकी परिभाषा यहाँ से लिखनी है आपको। वायु को दूषित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? वायु प्रदूषक कहलाते हैं। उसके बाद में वायु प्रदूषण के क्या कारण हो सकते हैं? वायु प्रदूषण के क्या कारण हो सकते हैं बच्चों? देखो, ये कारण ही है, कारखानों से उत्सर्जन जो होता है उससे वायु प्रदूषण होता है, ईंधन के रूप में लकड़ी जब हम जलाते हैं तो उससे भी वायु प्रदूषण, गोबर के जलते उपले, वाहन उत्सर्जन से क्या होते हैं, इन सभी से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। उसके बाद में स्मोग क्या है? स्मोग क्या है? तो स्मोग बच्चों यहाँ से आपको लिखना है कि स्मोग यह वातावरण में घने कोहरे जैसी परत है, विशेष रूप से सर्दियों के दौरान कोहरे और धुएं से बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका ये उत्तर लिख देना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, वायु प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए कुछ उपाय सुझाइए, आप वायु प्रदूषण नियंत्रण में कैसे योगदान दे सकते हैं? तो बच्चों, आपको अपनी तरफ से लिखने हैं। जैसे वायु प्रदूषण जो होता है कि हम क्या करें, घरों में लकड़ी का कम से कम इस्तेमाल करें, गोबर के उपलों का कम से कम इस्तेमाल करें, हम ज़्यादातर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि वायु हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके साथ में इको फ्रेंडली हो, उससे प्रदूषण ना हो। तो जैसे हम
हीटर का यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम एलपीजी का यूज़ करके हम अपना खाना